यो इनवेंसिबल्स, तारा बाई इनवेंसिबल्स आ चुका है न्यू वीडियो लेकर। और भाई आज इतना ज्यादा हाइब्रिड मार दूंगा, इतना ज्यादा आप लोग को हाइब्रिड में प्रो बना दूंगा। सोची नहीं होगी। Wait a minute. Who are you? क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। हाँ तो मेरे भाइयों और प्यारी प्यारी लड़कियों, कैसे हो? वेलकम दी बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज हम लोग अपने टाउन 11 के अंदर है, एंड यार आज की वीडियो टाउन 11 हाइब्रिड के ऊपर होने वाली है, क्योंकि यार टाउन 11 से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आए कि यार टाउन 11 वॉर अटैक के ऊपर वीडियो बनाओ। एंड कल जो वीडियो मैंने डाली थी वहां पे दीक्षा का कमेंट था टाउन 11 के ऊपर वीडियो बनाओ, एंड स्पेशली इसने हाइब्रिड मेंशन करा हुआ था। अब ऐसा मत समझना कि यार लड़की का कमेंट था इसलिए मैंने उठा लिया, एंड अगर फिर भी तुम ऐसा सोचते हो तो जरूरी नहीं तुम गलत हो, तुम सही भी हो सकते हो। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं यार सच्ची बताओ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो बात यह है ना कि लास्ट वाले वॉर में मैंने हाइब्रिड ही किया था अपने TH11 से, तो मैंने फिर देखा दीक्षा का कमेंट तो सोचा भाई सबसे पहले हाइब्रिड कवर कर लेते, धीरे धीरे करके सारी स्ट्रेटजीज को कवर करेंगे TH11 के भी एंड बाकी TH के भी। तो आपको कौन से TH का कौन सा स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो चाहिए कॉमेंट कर देना, है ना। बाकी आज के वीडियो में गाइज अभी मैं आप लोग को दो रिप्लेस दिखाऊंगा, एंड साथ ही में एक लाइव अटैक करके भी दिखाऊंगा, वो भी प्लानिंग के साथ, ताकि आप लोग को फुल गाइड मिल जाए या फिर जो भी मतलब आपको समझ में आ जाए कि भाई हाइब्रिड को कैसे यूज करना होता है, क्या क्या चीजों का आप लोग को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, एंड बाजू वाले घंटा का घंटी बजा दो, ताकि यार जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालू या फिर लाइव स्ट्रीम करूं आप लोग को नोटिफिकेशन जाए, एंड आप लोग यार अपनी हाजिरी बनाने आ जाओ, ठीक है। एंड साथ ही में गाइस डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब के थ्रू ना नोटिफिकेशन जाती नहीं है, तो यार डिस्कॉर्ड में आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड साथ ही में डिस्कॉर्ड में अभी हम लोग टूर्नामेंट वगैरह भी करा रहे हैं, एंड फ्यूचर में भी कराते रहेंगे, तो यार डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन कर लेना। और साथ ही में गाइस अगर आप लोग चाहो तो यार इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टा का लिंक एंड हमारे क्लैन का इंस्टा का लिंक, भाई दोनों का ही लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहो तो फॉलो कर लेना। बाकी यार बहुत ज्यादा अभी प्रमोशन हो गया, चलते भाई वीडियो में आगे, वो भी बिना किसी देरी के। चलो भाई। हाँ तो भाई साहब अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट वॉर में मैंने यहाँ पे दो अटैक्स करे थे, वैसे तो दो ही मिलते हैं सभी को, तो यहाँ पे दोनों अटैक मैंने हाइब्रिड के साथ ट्रिपल निकाले थे मैक्स TH11 के ऊपर। अगर ये वाला बेस देखो, पहला रिप्ले देखो, तो मैक्स TH11 है, डिफेंसेस सारे मैक्स है, वॉल्स यहाँ पे लो लेवल के, लेकिन आप सभी को पता है भाई माइनस अटैक में या फिर हॉक अटैक में वॉल्स का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस जो होते हैं जमीन के अंदर से जाते हैं डिफेंसेस के पास, एंड हॉक्स भाई साहब छलांग मार के जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखो अब मैंने करा क्या था, स्टार्टिंग में बेबी ड्रैगन ड्रॉप करा, दो लून से आर्चर टावर डाउन कर दिया, ताकि यहाँ पे मेरी क्वीन को भाई बढ़िया सा पाथ मिल जाए क्वीन ओपोनेंट की क्वीन कंपार्टमेंट के अंदर घुसने को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेज करा तुरंत से, एंड आपको रेज का डिप्लॉयमेंट एकदम एक्यूरेट रखना पड़ेगा, जैसे ही आपकी क्वीन आधी HP में जाए ना, हल्का लो होने लगे, एंड आपको पता है कि और भी ज्यादा डैमेज पड़ने वाला है क्वीन को, फटाक से रेज डाल दो बिना सोचे समझे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी सही कंपार्टमेंट में घुस चुकी है क्वीन, पीछे से आर्मी कैंप में भी मैं एक विजर्ड डाल देता हूँ मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को याद है। एंड अब देखो अभी आप लोग सोचोगे भाई हाइब्रिड कहां से होगा, मैंने आपको कल वीडियो में भी बताया था कि भाई साहब हाइब्रिड के लिए आपको L या फिर V शेप आपको क्रिएट करना होता है, आप जिस नजरिए से देखो या तो आप L शेप देखो या फिर आप V शेप देखो, ठीक है, आपको जो नजरिया सही लगे वो नजरिए से देख लो, मैं L वाले नजरिए से देखता हूं, क्योंकि एक बार L शेप बन जाता है ना तो फिर बेस के L लग जाते हैं ना। तो अब देखो मैं यहां पे हाइब्रिड के लिए पाथ कैसे बनाता हूं, तो यहां पे देखो मैंने कलेक्टर्स के ऊपर स्निकी गॉब्लिंस डाल दिए थे, सुपर वॉल ब्रेक कर दिया था यहां पे, जिससे कि मेरे किंग एंड जो सीज बैरक का पैक है वो भाई साहब अंदर घुस जाए, ठीक है। अब ये जो कंपार्टमेंट है एक्सबो तक तो भाई हमारा किंग एंड भाई साहब पेका मिलके निकाल ही लेंगे पूरे डिफेंसेस। अब यहां से देखो जो मैंने हाइब्रिड डाले ये भाई साहब यहां से सीधे पुश होंगे भाई साहब टाउन हॉल कंपार्टमेंट में, ठीक है, एंड सिंगल इन्फर्नो था तो मैंने फ्रीज भी कर दिया था, एंड अब देखो यहां से सीधा जो हॉक्स है एंड जो माइनस है सीधे भाई साहब TH कंपार्टमेंट में एंट्री ले चुके हैं, एंड पेका अभी भी है पीछे से विजर्ड्स इतने सारे जो कि भाई बैकअप दे रहे हैं पेका को, ठीक है। तो यही है भाई साहब, देख सकते हो कितना परफेक्ट यहां पे मेरे को पाथ मिल गया था, एंड अब देखो डिफेंस में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, यहां से क्वीन कंपार्टमेंट में जो मैंने अपनी क्वीन को घुसेड़ा था उससे मेरे को फायदा क्या मिला कि पाथ मिल गया, ठीक है, एंड साथ ही में मेरे को ईगल भी क्वीन मेरी निकाल के दे चुकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेस में ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, एंड यहाँ पे मैं भाई साहब दो हील स्वैग मार देता हूँ, मतलब समझ रहे हो मैक्स TH11 के ऊपर दो हील स्वैग, चार हाउसिंग पे स्वैग मारना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप हाइब्रिड को अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे, जो जो चीजें मैंने बताई आप लोग को, क्वीन चार्ज से ज्यादा वैल्यू निकालने की कोशिश करो, ठीक है, एंड उसके बाद हाइब्रिड के लिए सही पाथ बना दो, ठीक है,
एंड उसके बाद भाई साहब आपका ट्रिपल है, कोई नहीं रोक सकता उस बेस को ट्रिपल होने से। एंड यहाँ पे देखो ट्रिपल तो हुआ, साथ में दो हील स्वैग भी मारे थे मैंने, ठीक है। तो अभी बढ़ते भाई साहब नेक्स्ट रिप्ले की तरफ। एंड नेक्स्ट रिप्ले भी शायद से मैंने मैक्स टीएच के ऊपर ही हो रहा था, एंड वो वाला अटैक भी मेरे को जहाँ तक याद है उसमें भी कुछ तो स्वैग मारा था मैंने, चलो देख लेते एक बार। तो ये वाला अटैक मैंने करा था भाई साहब, कितना नंबर था, ओके 20 नंबर के ऊपर करा था। एंड ये वाला बेस देखो, ये भी मैक्सड आउट ही बेस है, यहाँ पे भी शायद से बस वॉल्स मैक्स नहीं है, बाकी अगर डिफेंसेस देखे तो सारे के सारे मैक्सड आउट ही है। शायद आर्चर टावर थोड़ा सा लो है मेरे हिसाब से, बाकी चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखो मैंने करा क्या था, क्वीन को डिप्लॉय करा यहाँ से, ओके एंड क्वीन को मैं सीधा टीएच कंपार्टमेंट में घुसेड़ता हूँ। एंड इस वाले अटैक में अगर आप लोग देखोगे तो मैंने चार चार सुपर वॉल ब्रेकर यूज़ करे हैं, नॉर्मली तीन यूज़ होते हैं लेकिन चार मैंने यहाँ पे यूज़ करे हैं। एंड वो क्यों करे हैं वो भी अभी आप लोग को तुरंत से पता चल जाएगा। तो देख सकते हो जैसे यहाँ पे ओपोनेंट की क्वीन एंड डिफेंसेस मेरी क्वीन को पकड़ लिए, मैंने यहाँ पे तुरंत से रेस का डिप्लॉयमेंट कर दिया। ऊपर की तरफ भी मैंने बेबी ड्रैगन की मदद से पाथिंग कर दी, एंड भाई साहब किंग को डिप्लॉय कर दिया, एंड एक और सुपर वॉल ब्रेकर डाल दिया क्योंकि मेरे को यहाँ से किंग के साथ भाई साहब मल्टी इन्फर्नो चाहिए, ठीक है। लास्ट वाले अटैक में आप लोगों ने देखा भाई साहब मैंने किंग एंड सीज बैरक को साथ में डिप्लॉय करा था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप लोग को भाई साहब बेस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से आपको अपने ट्रूप्स एंड हीरोज का डिप्लॉयमेंट करना होता है। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए थी भाई साहब परफेक्ट पाथिंग ताकि मैं अपनी क्वीन को कोर में ढकेल सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पे किंग का शहादत दे दिया स्टार्टिंग में। एंड यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, मेरे को रेस थोड़ा जल्दी डिप्लॉय करना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वीन की एबिलिटी भले यूज हो गई लेकिन फिर भी ये जो बेस है ना बचेगा नहीं भाई साहब। एंड आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने चार सुपर वॉल ब्रेकर क्यों यूज करे, तो ऊपर देख सकते हो दो सुपर वॉल ब्रेकर यूज करके किंग के साथ ऊपर का कंपार्टमेंट निकाल लिया, इधर क्वीन से मैंने सब कुछ निकाल लिया, ठीक है। एंड जो लास्ट ऑप्शन बचता है सुपर वॉल ब्रेकर के लिए वो है भाई साहब कोर वाले वॉल को फोड़ना। तो देख सकते हो कोर का वॉल टूट गया एंड हमारी क्वीन आ चुकी है अंदर, तो इसलिए मैंने इस वाले में भाई चार सुपर वॉल ब्रेकर यूज करे थे। एंड सीज बैरक देखो मैंने डिप्लॉय करा एंड बॉम्ब टावर अपने को पेका निकाल कर दे चुका है, तो स्प्लैश डैमेज हमारे माइनस एंड हॉक्स को पड़ने से रहा, ठीक है। एंड दोनों एक्सबो जो है भाई साहब यहाँ पे क्वीन के ऊपर लॉक्ड थे, तो भाई साहब यहाँ पे ज्यादा दिक्कत हुई नहीं हमारे माइनस को। एंड यहाँ पे भी शायद से स्वैग होता है, मतलब यहाँ पे भी मैं सोचा था वैसे कि भाई साहब हील स्वैग मार दूंगा, लेकिन यहाँ पे हील स्वैग नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे देखना आगे चल के भाई साहब बूम बाम होता है बहुत जोरदार। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई क्वीन हमारी काफ़ी लो थी, एक बार के लिए मेरे को लगा था भाई क्वीन यहीं पे दम तोड़ देगी, लेकिन फिर भी वो टिक गई। एंड देख सकते हो यहाँ पे भाई डबल जैंट बॉम्ब, ट्रिपल जैंट बॉम्ब, पता नहीं भाई बूम बाम हो गया था पूरा। तो फिर यहाँ पे मेरे को हील डालना पड़ गया, वरना मैं सोचा था कम से कम एक हील एक फ्री स्वैग हो जाता इधर भी, शायद हो सकता था क्योंकि टाइम मेरे हिसाब से था या नहीं था याद नहीं है मेरे को, लेकिन छोड़ो यार क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ पे ट्रिपल से मतलब है एंड ट्रिपल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर भी मैंने एक फ्रीज जो है स्वैग मारा था, स्वैग नहीं मारा था मतलब वापस लेकर चले गए थे क्योंकि डोनेशन जल्दी मिलती नहीं, तो हमने सोचा भाई बचत करना ही बेहतर है, ठीक है। तो ये वाला बेस भी देख सकते हो भाई ईजी ट्रिपल हो गया था, तो ऐसे आपको करनी होती है भाई साहब पाथिंग वाथिंग वगैरह वगैरह। हाँ तो भाई साहब अभी मैंने आप लोग को दो वॉर अटैक रिप्लेस दिखा दिया हाइब्रिड के, अभी भाई साहब एकदम ताजा ताजा लाइव वॉर अटैक करके भी दिखाऊंगा हाइब्रिड के साथ ही, ठीक है। अब देखो लाइव वॉर अटैक करने का फायदा क्या ना कि इससे आप लोग को मैं बता सकता हूँ कि भाई ऑन द स्पॉट मैं क्या क्या डिसीजंस ले रहा हूँ, एंड साथ ही में अगर मेरा प्लान जो है एंड प्लान के अकॉर्डिंग कुछ वर्क नहीं करता है तो फिर मैं अटैक को कैसे कंट्रोल करता हूँ, कैसे रिकवरी करता हूँ, ठीक है। तो अगर ये वाला बेस देखो गाइस, तो मैंने आप लोग को बताया भाई हाइब्रिड में एल या फिर वी शेप आपको बनाना पड़ता है, एंड ये वाला बेस देखोगे तो यहाँ पे पहली से एल या वी से जो भी नजरिए में आप लोग को देखना आप देख सकते हो वो बना पड़ा है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो बस यहाँ पे अपने को भाई क्वीन से थोड़ा सा पाथिंग वगैरह करना है, तो यहाँ पे करने क्या वाले ना कि क्वीन को हम लोग डिप्लॉय करेंगे भाई साहब विजर्ड टावर की तरफ से, मतलब 3 o'clock से, एंड अपनी क्वीन को मूव करेंगे या तो लेफ्ट या फिर राइट, कहीं भी जाए क्वीन, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर डिसीजन लेंगे कि हमारा हाइब्रिड कहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सुपर वॉल ब्रेकर का यूज नहीं करा है क्योंकि अपनी क्वीन को मैं ले जाना चाहता हूँ भाई ईगल कंपार्टमेंट की तरफ, तो वॉल ब्रेकर की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग में अपने को क्वीन एंड ओपोनेंट की क्या बोलते हैं सीसी मिल जाएगी, उसके बाद जिधर से भी क्वीन घुसेगी भाई साहब उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपना हाइब्रिड चालू कर देंगे, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं भाई साहब सीधा अटैक पे, एंड ज़्यादा बकर बकर नहीं करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही मैंने प्लान आप लोग को बता दिया है, लेकिन चलो अभी सीधा अटैक पे घुसते। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे अपनी क्वीन को सबसे पहले 3 o'clock पे, एंड यहाँ पे अपना वार्डन मैं चेक कर रहा था भाई साहब कहीं एयर वेयर में ना लटक रहा हो, तो नहीं लटक रहा है, तो यहाँ पे पहले तो क्वीन को डाल देते हैं। एंड यहाँ से देखो कोकोलून, हाँ कोकोलून का मैंने आप लोग को बताया नहीं, देखो जब भी आप क्वीन चार्ज करते हो ना तो भाई साहब कोकोलून बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो भाई स्केलेटन्स ब्लैक एयरमैन ट्रिगर हो गए, ठीक है। अभी कोकोलून का यही तो फायदा है आपकी हीलर्स को भाई डैमेज नहीं पड़ता है ना, तो कोकोलून जरूर यूज करें। एंड मैं हाइब्रिड अटैक में कम से कम ना भाई 3 से 4
लून लेकर ही जाता हूँ। कभी कभी क्या होता है, दो लून तो भाई कोको लून में यूज हो जाते हैं एंड फिर दो लून भाई लास्ट में ना डिफेंसेस निकालने के काम आते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट करने के काम आते हैं, है ना। तो अभी देख सकते हो भाई शीशे में निकले हैं सुपर विजर्ड एंड साथ में एक आइस गोलम, तो पॉइजन कर दिया उसको आराम से। एंड अब यहाँ से क्वीन किधर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस का लेआउट जो है ना बिल्कुल ही भाई एकदम सेम तरीके का, या तो क्वीन लेफ्ट जाए या फिर राइट की तरफ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को हाइब्रिड उसी के हिसाब से डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी क्वीन यहाँ पे मूव कर रही है भाई साहब ओपोनेंट के किंग के साइड वाले कंपार्टमेंट की तरफ, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे अपने को पाथिंग रखनी पड़ेगी अपने हाइब्रिड के लिए एंड उसी के हिसाब से डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीसी डाउन हो चुका, ओपोनेंट की क्वीन निकल चुकी है, अभी यहाँ से किंग को भी निकाल देंगे। तो क्वीन को थोड़ा अंदर घुसने का वेट कर रहा हूँ, ओके घुस चुकी अपनी क्वीन, किंग को डिप्लॉय कर देंगे। सीज बैरक यहाँ पे डाल दिया हमने, अब इधर बाहर के जो बिल्डिंग है वो किंग एंड सीज बैरक का जो पेका है वो डाउन कर देंगे एंड विजर्ड्स डाउन कर देंगे एंड अपना यहाँ पे जो हाइब्रिड है भाई स्ट्रेट पाथ में यहाँ पे घुस जाएंगे बेस के अंदर एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया भाई हाइब्रिड एंड साथ में यहाँ पे हमने डाल दिया बुड्ढा एंड रेज करा था हमने क्वीन को यहाँ पे जल्दी से ताकि किंग जो है हमारी क्वीन को लपेट ना पाए। एंड अब देख लो यहाँ से अपनी क्वीन जो है ईगल भी डाउन कर लेगी एंड हाइब्रिड देखो कितना मस्त ट्रैवल कर रहा है कोर में। तो रेज का अब आवश्यकता था नहीं मेरी क्वीन को क्योंकि क्वीन के पास थी एबिलिटी एंड रेज मेरे को लग नहीं रहा था क्वीन को नीड है। तो हमने यहाँ पे भाई साहब रेज का डिप्लॉयमेंट कर दिया अपने हाइब्रिड के ऊपर, फ्रीज कर दिया यहाँ पे भाई, देखो कितना परफेक्ट फ्रीज डिप्लॉयमेंट है, चारों डिफेंसेज यहाँ पे जो फ्रीज हो गए। तो फ्रीज की भी डिप्लॉयमेंट जो है आपको बिल्कुल ही परफेक्ट रखनी होती है। एंड अब देख सकते हो बेस में कुछ बचा ही कहाँ है भाई साहब, कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे मल्टी इन्फर्नल वो भी निकल जाएगा जायंट बॉम्ब में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाला, अपने पास इनफ ट्रूप्स है, ठीक है। क्वीन विथ एबिलिटी बची पड़ी है, डिफेंसेज ज्यादा कुछ बचे नहीं हुए, तो आराम से ये वाला बेस भी देख सकते हो भाई ट्रिपल हो गया। तो ऐसे ही आपको प्लान करना होता है एंड ऐसे ही आपको पाथिंग करनी होती है अपनी क्वीन के लिए, ठीक है। एल या फिर वी सेप जरूर आपको करना है हाइब्रिड अटैक में। तो गाइस ये था लाइव अटैक एंड यही थी आज की वीडियो। गाइस तीन ही अटैक्स आज के लिए रहने देते हैं एंड मेरे हिसाब से इतना काफी होगा आप लोग को समझने में कि भाई साहब हाइब्रिड को कैसे यूज करा जाता है, ठीक है। तो भाई साहब अटैक्स आप लोग को कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एंड ओवरऑल अगर वीडियो पसंद आई है तो गाइस देखो लाइक कर देना एक एंड सभी के साथ शेयर कर देना एंड कॉमेंट करना कैसा लगा आप लोग को आज की वीडियो एंड साथ ही में ये भी कॉमेंट करना कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ठीक है। बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर कोई चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट। Take care of my heart.